हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा वेयर हाउस की कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, जो डेटा वेयर हाउस जब भी बनता है वो दो पार्ट में बनता है, दो चीजों को लेकर बनाया जाता है। सबसे पहला होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, जो सेकंड होता है वो हार्डवेयर होता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी डेटा वेयर हाउस को बनाने के लिए। उसके बाद कंपनी अपना डिसाइड करती है उसको क्या चाहिए अपने उसमें डेटा वेयर हाउस में। अगर कंपनी को कुछ भी चाहिए होता है, एक्स्ट्रा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए होंगे या सर्विसेज चाहिए होंगे। ये दो चीज एक्स्ट्रा होती है, डिपेंड करता है किससे, कंपनी पर डिपेंड करता है वो डेटा वेयर हाउस किस टाइप का बना रहे हैं। ठीक, नाउ अब हम कंपोनेंट्स की बात करें। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हर पार्ट में आपको डिफाइन करेंगे, हर छोटी छोटी चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले पार्ट बता दें आपको, सोर्स डेटा एक्सटर्नल। देखिए, सोर्स डेटा एक्सटर्नल क्या होता है कि हमारा डेटा एक्सटर्नल सोर्स से आता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हमारा डेटा आता है। उसके बाद हम लोग डेटा क्या होता है, ठीक है, जो डेटा आता है वो चार टाइप से आता है। अब ये हम चार टाइप से किस किस चार टाइप से आता है वो आपको बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इसकी टोटल ओवरऑल जो बिल्डिंग ब्लॉक की समरी की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात होती है कि डेटा वेयर हाउस का जो डेटा कहाँ से आता है, डेटा एक्सटर्नल सोर्स से आता है। उसके बाद आता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, डेटा स्टैकिंग स्टेज में आता है। यहाँ पे ये तीन पार्ट में होता है, तीन पार्ट में वर्क करता है। तीन पार्ट वर्क करने के बाद वो कहाँ हो जाता है, डेटा लोड हो जाता है। इस पार्ट में डेटा क्या होता है, लोड होता है। ठीक, अब डेटा लोड होने के बाद अब इसको हम लोग मल्टीपल प्लेसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्चुअल डेटा आ गया, यूजफुल इंफॉर्मेशन आ गया, अब उसको हम लोग डेटा माइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओएलपी का मतलब होता है कि ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। ठीक, हम लोग ऑनलाइन किसी भी एनालिसिस करते हैं, ठीक, अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं, उसकी क्वेरी बना सकते हैं, उसी हिसाब से हम डेटा को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ पार्ट होते हैं इस डेटा कंपोनेंट में, जब डेटा वेयर हाउस बनता है। ठीक, अब हम लोग एक करके हर कंपोनेंट को बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डेटा एक्सटर्नल सोर्स की। डेटा होता है कि सोर्स ऑफ डेटा एक्सटर्नल, हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक, डेटा एक्सटर्नल की बात करें, देखिए डेटा हमेशा ना किस चार पार्ट से निकलता है। ठीक, चार पार्ट कौन कौन से हैं, तो पहला पार्ट होता है वो होता है प्रोडक्शन डेटा। देखिए, पहला जो डेटा होता है ना, जो यहां से आता है वो होता है प्रोडक्शन डेटा। प्रोडक्शन डेटा जैसा हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से डेटा आता है, ओएस से आता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा डेटा आता है। ठीक, सेकेंड हो गया हमारा, वो हो गया इंटरनल डेटा। देखिए, आप जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती, कोई भी कंपनी होती, उसमें इंटरनल डेटा होता है, यानी कि ये प्राइवेट डेटा। जब भी बात आती है इंटरनल डेटा की, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले ये प्राइवेट डेटा हो गया। प्राइवेट डेटा किसी भी कंपनी में हो सकता है, जैसे कि इसकी स्प्रेडशीट हो गई, उसकी रिपोर्ट हो गई, कस्टमर की प्रोफाइल हो गई, और भी कोई डिपार्टमेंट का डेटाबेस हो गया, वो आता है इंटरनल डेटा में। ठीक, थर्ड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट होता है हमारा आर्चिव डेटा। अब ये डेटा आर्चिव डेटा होता क्या, देखिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पुरानी हो जाती है, ठीक, मतलब बहुत पुरानी हो जाती है, कह लीजिए कि जो करंट बिजनेस चल रहा है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो रनिंग प्रोसेस में बिजनेस है, ठीक, उसमें सबसे ओल्ड डेटा को जब हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक जो मान लीजिए इसको सिंपल एग्जांपल समझिए कि ओल्ड डेटा, जब भी ऑर्गेनाइजेशन जो करंट स्टेट में रनिंग हो रही है किसी भी बिजनेस में, तो उसका जो ओल्ड डेटा होता है वो होता है आर्चिव डेटा। ठीक, नाउ फोर्थ पॉइंट एक्सटर्नल डेटा। देखिए एक्सटर्नल डेटा, देखिए आपका एक्सटर्नल डेटा कुछ भी हो सकता है, या किसी वेबसाइट से आ रहा हो, किसी बिजनेस से आ रहा हो, कितना हमने सेल किया, क्या आपका प्रोडक्ट बिका, कौन से मार्केट में बिका, कहाँ सेल ज्यादा हो, कम, कौन से मंथ में सेल, ये सब डेटा क्या हो गया, एक्सटर्नल डेटा हो गया। ये चार टाइप के डेटा होते हैं किसमें, सोर्स डेटा एक्सटर्नल में। ये पहला स्टेप होता है कि हम लोग डेटा कहाँ से लाएंगे। ये डेटा चार पार्ट में आता है, प्रोडक्शन डेटा में, इंटरनल डेटा में, आर्चिव डेटा और एक्सटर्नल डेटा। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग डेटा स्टैकिंग कंपोनेंट की। नाउ सेकंड स्टेप है डेटा स्टैकिंग कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट होता है। ठीक,
सेकंड कंपोनेंट होता है डेटा वेयर हाउस। देखिए इसमें डेटा स्टैकिंग स्टेट में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है डेटा एक्सट्रैक्शन। देखिए डेटा एक्सट्रैक्शन के मतलब होता है कि हम लोग डेटा का कहां से निकाल रहे हैं, कहां से डेटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, बहुत सारे मतलब टेक्निक होती है जहां से हम लोग डेटा को निकालते हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गया, किसी का डेटा सोर्स हो गया, ट्रैफिक हो गया, वर्क इन्फॉर्मेशन हो गया, बिजनेस हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जब भी डेटा हमारे पास आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्स हमारा डेटा आता है, ठीक, ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स है, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। ठीक, डेटा आने के बाद हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, जहाँ स्टोर होता है वहाँ डेटा होता है, डेटा इसको बोलते हैं डेटा स्टैकिंग स्टेट। ठीक, यहाँ पे क्या होता है डेटा हमारा ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब डेटा को हम लोग क्लीन करते हैं, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करते हैं, कोई मिसिंग डेटा होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वो सब किसमें कौन से सिस्टम में करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग सब कुछ प्रोसेस करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और उसको हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। ठीक, हम लोग उसको डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डेटा जो मिसिंग डेटा उसको भी हम लोग लेते हैं, हम लोग एट्रीब्यूट निकालते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट से वन एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करते हैं। ये सब जो भी पार्ट में होता है वो होता है किसमें, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट में होता है। और यहाँ से निकलने के बाद ये सेकंड स्टेप होने के बाद, सेकंड स्टेप कौन सा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अब डेटा को हम लोग क्या करते हैं, डेटा लोड होता है। डेटा लोड कहाँ होता है, डेटा लोड होता है वेयर हाउस में लोड होता है। ठीक, डेटा वेयर हाउस में लोड होता है, ये थर्ड स्टेप होता है जहां पर डेटा लोड होता है। ठीक है, जब भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेगा तो डेटा हमारा यूजफुल डेटा निकलेगा, जो हमको जरूरत होगी डेटा वो निकलेगा, क्योंकि हम लोग ने जो भी क्लीनिंग करनी थी, सॉर्टिंग करनी थी, फिल्टरिंग करनी थी, वो सब किस पार्ट में कर लिया हम लोग ने, वो हम लोग ने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट में हम लोग ने इसको परफॉर्म कर लिया। ठीक, नाउ थर्ड स्टेप क्या होता है, देखिए डेटा स्टोरेज होता है। ठीक, जो थर्ड स्टेप होता है डेटा स्टोरेज। नाउ थर्ड स्टेप डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज कंपोनेंट। अब डेटा स्टोरेज कंपोनेंट होता क्या है, देखिए डेटा जो स्टोरेज कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एक टाइप का स्टेट रिपोजिटरी होती है, जहां हमारे डेटा क्या होता है किसी स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर होता है, किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्म में हमारे डेटा क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। और उस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं, फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग और फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, वहां हम उसको बोलते हैं हम लोग डेटा स्टोरेज कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक, नाउ अब पार्ट आ गई मेन पार्ट की, पॉइंट नंबर फोर, इसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट, इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट। ठीक, अब इस कंपोनेंट में क्या क्या होता है, देखिए जब भी बात आती है डेटा डिलीवरी कंपोनेंट्स की या एलिमेंट्स की, तो ये क्या होता है, ये प्रोसेसिंग स्टेट होता है। किसी भी डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं, किसी भी फाइल को हम लोग प्रोसेस करते हैं, या किसी भी फाइल को हम लोग एक मतलब प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करना होता है, तो हम लोग इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए तीन पार्ट में, पार्ट ये जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट्स होता है ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है ये डेटा वेयर हाउस का, जहाँ पे होता है कि डेटा जो हम लोग मेरा डेटा होता है, आपने देख रहे होंगे ये चीज, ये मेटा डेटा होता है। ठीक है, अब मेटा डेटा क्या होता है, ठीक है, मेटा डेटा जो होता है वो इक्वल टू होता है डेटा डिक्शनरी के। ठीक, जहां पे हम लोग को डेटा को मैनेज करते हैं, एक तरफ से अब एक साइड से अब ये भी कह सकते हैं कि ये डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कि डेटा को कैसे मैनेज करना है, वो काम कहाँ होता है, डेटा मार्ट में होता है, या कह लीजिए मेटा डेटा में होता है। ठीक, नाउ डेटा मेटा डेटा होने के बाद डेटा मार्ट की बात आती है। देखिए डेटा मार्ट में यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप है, उसको कितना डेटा पहुंचाना है, किसको डेटा कितना कितने यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं, या कह लीजिए कितने डेटा जितने यूजर कितने पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है, डेटा मास डिसाइड करता है। ठीक, और कुछ भी यहाँ पे आप ये भी बात कर लीजिए कि जो डेटा मास होता है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होता है, या आप कह लीजिए करंट ट्रेंड जो डेटा होता है, तो ये सब यहाँ से फॉलो होता है, ये कहाँ से, डेटा मार्ट से, यहीं से सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग रिलीज करते हैं किसी भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि क्या डेटा का इस्तेमाल करना है, किस तरह से डेटा को इस्तेमाल करना है, वो सब कहाँ से जा सकता है, डेटा मार्ट में, क्योंकि हम लोग पास डेटा है। डेटा होने के बाद कौन सा ग्रुप ऑफ यूजर जो डेटा को किस तरह का इस्तेमाल कर सके, वो डेटा को किस तरह इस्तेमाल करेगा, उसको एनालिसिस में इस्तेमाल करेगा, उसको प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करेगा, उसको रिपोर्ट बनाएगा, उसको क्वेरी बनाएगा, वो सब कहाँ होता है, डेटा मास में होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है डेटा इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट, यहाँ पे डेटा की डिलीवरी होती है फ्रॉम
वन प्लेस टू अनदर प्लेस किसकी हेल्प से होता है, यहाँ पे जो होता है ऑनलाइन होता है, इंटरनेट होता है, ईमेल की हेल्प से इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक, नाउ अब फिफ्थ स्टेप आता है यहाँ पे, आपको इतना समझ में आ गया इंफॉर्मेशन डिलीवरी डेटा डिलीवरी। आप बस ये चीज याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट्स में क्या होता है, डेटा की डिलीवरी होती है। इसमें तो दो पार्ट मेन इंपॉर्टेंट है, कौन सा, मेटा डेटा और डेटा मार्क। डेटा मार्क क्या है, ग्रुप ऑफ यूजर पे वर्क करता है, और मेटा डेटा जहाँ पे डेटा को मैनेज करते हैं हम लोग। ठीक, मान लीजिए पर्टिकुलर डेटा है कि, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो मेटा डेटा होता है ना वो इक्वल टू होता है किसके, डेटा डिक्शनरी के। ठीक, अब यहाँ पे डिक्शनरी, अब डेटा डिक्शनरी की बात जैसे आ गई, आप ही समझ लीजिए कि यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कवर होता है, सेम प्रोसेस मेटा डेटा में होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट्स में दो पार्ट होते हैं, मेटा डेटा और सेकंड क्या हो गया, डेटा मार्ट। ठीक, यही दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको इसका नाम से ही आपको डिफाइन कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट होता क्या है, कि इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ कंपोनेंट जो आता है वो आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैनेजमेंट ऑफ जो मैं सॉरी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स, ये लास्ट स्टेप होता है। यहाँ पे देखो, जो भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं या कंट्रोल करते हैं किसी भी सर्विस को, किसी भी फंक्शन को डेटा वेयर हाउस के अंदर, मान लीजिए हमारे पास डेटा वेयर हाउस है ये। ठीक, डेटा वेयर हाउस है हमारा, हमने क्या किया, तीन स्टेज किया, पहले हम लोग ने डेटा को एसएनएस सोर्स से लेकर आए, उसके बाद हम लोग ने स्टैगिंग स्टेज में रखा। ठीक, वहां से होने के बाद हम लोग ने उसको डेटा को क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद डेटा को क्या करते हैं, लोड कर दिया। लोड करने के बाद अब कुछ भी जो परफॉर्म होगा मैनेजमेंट का कंट्रोल, वो कौन परफॉर्म करेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल कंपोनेंट्स को परफॉर्म करना होगा कि डेटा में कौन सी सर्विसेस होगी, कौन सा फंक्शन होगा। ठीक, या डेटा कहाँ से ट्रांसफर होगा, कौन से डेटा वेयर हाउस से, कौन से डेटा वेयर हाउस में डेटा को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, डेटा में कौन सी मॉडिफिकेशन चाहिए, डेटा में डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन सा ग्रुप ऑफ डेटा एक्सेस कर सकता है, कौन सा किस टाइप का डेटा कौन पर्टिकुलर मेंबर एक्सेस कर सकता है, वो सब कौन मैनेज करता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स मैनेज करता है। ठीक, यही मेन पांच कंपोनेंट्स होते हैं किसके अंदर, डेटा वेयर हाउस के अंदर। ठीक, कौन कौन से आपको बता दिया मैंने, पहला होता है एक्सटर्नल सोर्स, जिसमें चार टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक, नाउ उसके बाद हम लोग बात करें डेटा स्टैगिंग स्टैग, इसमें तीन टाइप के होते हैं, इसमें आपको डेटा एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक, डेटा एक्सट्रैक्शन के बाद होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर लोडिंग होता है, देन उसके बाद आता है हमारे पास क्या कि डिलीवरी वाला, इंफॉर्मेशन डिलीवरी वाला, उसमें क्या होता है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, मेटाडेटा होता है, डेटा मार्ट होता है, देन हमारे पास आता है कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मैनेज आता है, वहां पे क्या होता है कि हम लोग कैसे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, कौन सा पर्टिकुलर पर्सन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, कितना किसको ऑथराइज देना है, वो सब इसमें परफॉर्म होता है। टोटल पांच टाइप के कंपोनेंट्स मेन है, यही होता है ओवरऑल कंपोनेंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटा वेयर हाउस। थैंक यू एवरीवन।